हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है द्विघात समीकरण, जिसको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज 4.4 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 3x² - 4√3x +4=0। तो क्वेश्चन में आपने हिंदी में पढ़ लिया होगा, पहले हिंदी में समझा देता हूँ कि क्या करना है। ये जो आपके पास द्विघात समीकरण है, ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। क्या निकालनी है? मूलों की प्रकृति, इंग्लिश में कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है, या मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है, कि आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण है, इसके लिए आपको डी निकालना है। डी है आपका डिस्क्रिमिनेंट, और हिंदी में कहते हैं इसको विविक्त कर। तो ये डी निकालना, जब भी आपसे मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप डी निकालोगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज निकालना है जब भी मूलों की प्रकृति या नेचर ऑफ द रूट्स कहा जाए। अब कैसे सॉल्व करना है, पहले तो ऊपर इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये जो इक्वेशन है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको मानक रूप कहते हैं, वो है ax² + bx + c = 0। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पहले ये लिखना है फिर ये लिखना है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, x² के साथ है a, x² के साथ है 3, तो a किसके बराबर हो गया 3 के, a किसके बराबर हो गया 3 के। x के साथ क्या है, b, यहाँ पर x के साथ क्या है, -4√3, तो इसका मतलब ये जो b है ये -4√3 के बराबर हो जाएगा, -4√3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ये है c और यहाँ पर ये है +4, तो c किसके बराबर हो गया, +4। तो इस तरीके से हमने ए बी सी यहाँ पर निकाल लिया। जैसे ही आप ए बी सी निकालें, उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, विविक्तकर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है d = b² - 4ac। तो अब यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो रख देते हैं, b की वैल्यू आप देखें क्या है, वो ये है। तो इस b की जगह रखेंगे उसको, तो इस b की जगह रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा -4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर ये है -4, फिर यहां पर है मल्टीप्लाई, फिर ये है a, a कितना है 3, फिर यहां पर है मल्टीप्लाई, और c कितना है 4। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो माइनस का स्क्वायर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया प्लस हो जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, तभी ढंग से इसको कर पाओगे। देखो वो क्या लिखा था, पहले उसको देख लें एक बार, वो था -4√3 का स्क्वायर। तो पहले तो माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस हो जाता है, अभी जो स्क्वायर है 4 के लिए भी है, रूट 3 के लिए भी है। तो पहले देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है, जो 4 का स्क्वायर होता है उसको लिखते हैं 4 × 4, जो कि कितना होता है 16। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। अब √3 का स्क्वायर देखो क्या होता है, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा देते हैं तो आंसर कितना आ गया, 3। तो हम कहेंगे कि √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 3, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 48। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो इस पूरे को सॉल्व करने से हमें आंसर कितना मिल रहा है, 48। फिर ये क्या है, माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 12, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 48। अब 48 - 48 कितना होता है, ये होता है 0। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास D क्या आ गया, 0 आ गया। तो D का जो 0 आंसर आया है, यही मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है। क्या बताता है, कि मूल कैसे होंगे। जब भी आपके पास D 0 आए तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो मूल हैं, जो दो बराबर मूल होते हैं, मूल कितने निकलते हैं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मूल निकल सकते हैं, दो। तो
मूल कैसे होंगे, हम लिखेंगे दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो इस द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, दो, और दोनों के दोनों कैसे होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक, तो रियल एंड इक्वल रूट्स, तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है, वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। तो जब भी आपके जो मूल हैं वो वास्तविक हों या रियल हों, तो आप उसको आगे भी सॉल्व करेंगे, उनके मूल निकालेंगे भी। अब जो मूल निकालने का फॉर्मूला है, रूट निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर टू ए। ठीक हो गया। अब कैसे करना है, देखो जो चीज़ जहाँ है वहाँ पर उसका मान रख दो, वैल्यू रख दो। पहले तो देखो ये माइनस है, माइनस लगा दिए। ये b है, अब देखो b की वैल्यू कितनी है, आप देखोगे ये रही b की वैल्यू, ढंग से देखोगे तो ये है माइनस फोर रूट थ्री। तो इस b की जगह हो जाएगा माइनस फोर रूट थ्री, फिर ये है प्लस माइनस, रूट है और रूट के अंदर क्या है, d, जिसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली, ज़ीरो, तो ये निकाल ली ज़ीरो। और नीचे क्या है, 2a, तो 2a का मतलब है 2 मल्टीप्लाई a, तो a की जगह क्या रखना है, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है 3, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ a की जगह पर 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने का तरीका आसान है। पहले तो ये देखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया, जब दो माइनस ऐसे साथ साथ लिखे जाते हैं तो इसका मतलब वहाँ क्या हो गया, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा फोर रूट थ्री प्लस माइनस रूट ज़ीरो ओवर, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 6। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है आपने, ज़रा ये देखो, ये हमारे पास जो है इसको हम दो हिस्सों में लगा लिख लेंगे, दो हिस्सों मतलब लिखेंगे हम x इक्वल टू क्या है, ये है फोर रूट थ्री, सबसे पहले लिखेंगे प्लस और फिर रूट ज़ीरो ओवर नीचे 6। अब क्या लिखेंगे, x इक्वल टू फोर रूट थ्री माइनस रूट ज़ीरो ओवर 6, तो प्लस रूट ज़ीरो भी लिख लिया, माइनस रूट ज़ीरो भी लिख लिया। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बच्चों की रूट ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही होता है, तो इसको लिखने का तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा दो यहाँ से, यहाँ से भी इसको हटा दो, तो इन दोनों को हटा देंगे तो लिखेंगे क्या, फिर हम लिखेंगे फोर रूट थ्री ओवर 6, और यहाँ पर भी हमने क्या लिखना है, फोर रूट थ्री ओवर 6। अब इसको काटो, 2 से कट जाएगा, 2 कितने इज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 और 2 थ्री ज़ा 6, यहाँ कितने ज़ा 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, तो फिर x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई 2 रूट थ्री ओवर 3, और यहाँ से भी कितनी आ गई, 2 रूट थ्री ओवर 3। तो देखो x की दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम आई है। पहले तो आप देखो x की जो दोनों वैल्यूज़ है यहाँ पर क्या आई हैं, सेम आई हैं। तो x की ये जो वैल्यूज़ आती हैं ना लास्ट में, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, हिंदी में बोले तो इस द्विघात समीकरण के क्या हो गए, आ गए ये दोनों मूल आ गए। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ आप देखो, दोनों एक जैसे हैं, सेम है, तो ध्यान रखो कि हमने जब d इक्वल टू जीरो निकाला था तो उसका मतलब है कि आपके पास जो दो मूल आएंगे वो दोनों के दो मूल कैसे आएंगे, बराबर। दोनों के दोनों जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इक्वल। तो देखो हमने जो दो रूट्स निकाले, दो रूट्स निकालने का मतलब हमने दो x की वैल्यूज निकाली और दोनों की दोनों कैसी आई हैं, सेम आई हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।